आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे श्रीनगर की, जहां के बटमालू इलाके में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 आतंकियों को मार गिराया गया है और इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। यहां सुरक्षा बलों को आतंकी के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग की, दोनों तरफ से मुठभेड़ शुरू हो गई। फिलहाल 3 आतंकियों का काम तमाम कर दिया गया। श्रीनगर शहर के बटमालू इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच में मुठभेड़ चल रही है। दरअसल ये श्रीनगर शहर का सबसे व्यस्त और गुंजान आबादी वाला इलाका बटमालू है, जहां पर सुरक्षा बलों को, जिसमें पुलिस और सीआरपीएफ के लोग शामिल थे, उनको खबर मिली थी कि बटमालू के इस इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे हैं। जब ही तलाशी अभियान और कॉर्डन ऑपरेशन के लिए यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती हो रही थी, तभी यहाँ पर फायरिंग हुई, जिसमें एक महिला की मौत हुई है। फिलहाल जो सिविलियन महिला है जिसकी मौत हुई है, उसका शव पुलिस कंट्रोल रूम में रखा गया है और अभी भी यहां पर तलाशी अभियान और घेराबंदी जो है पूरे इलाके की जारी है। दरअसल सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी जो यहां पर चुनौती है वो ये है कि आम लोगों को क्षति न पहुंचे। बहुत सारे घर हैं यहां पर, बहुत सारे लोग यहां पर रहते हैं, तो उस बीच सबसे ज़्यादा कोशिश यही है कि जो आसपास घरों में लोग रहते हैं उनको कोई क्षति न पहुंचे, वो यहां से सुरक्षित निकले और उनको कहा भी जा रहा है कि वो सुरक्षित जगहों पर जाए। लेकिन ये भी कोशिश होगी सुरक्षा बलों की तरफ से, जो अंदर एक घर के भीतर मिलिटेंट छुपे हैं उनको सरेंडर करने के लिए कहा जाए। यदि वो सरेंडर नहीं करते हैं तो जाहिर है ये ऑपरेशन जो है फिर शुरू होगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।